हाय दोस्तों, मोना फैशन में आपको फिर से स्वागत है। आज जो वीडियो में लेके आए हैं वो मिसो का है, किचन टूल्स के ऊपर, जो कि मुझे पड़ा है 97 रुपीज का। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखने से पहले अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वाला बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको पहले ही नोटिफाई हो जाए। और लाइक करना मत भूलिए, जरूर लाइक कीजिए। तो ये रहा किचन टूल्स जो मैंने मिसो से लिया था, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसका हमको ज़रूरत है। क्योंकि घर में बैठते हैं तो बाहर का खाने का कोई भी चीज़ नहीं लाते हैं। घर में बच्चे हो या जो भी हो, वो खाने के लिए बोरिंग होता है। ऐसे मज़ा लग जो फैमिली के साथ बैठ के कुछ खाने के लिए स्पेशल बनाने के लिए, इसके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ये जो है प्लास्टिक का है, मुझे 97 का इमेज प्राइस में स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगी। और इसका लिंक तो नहीं है, इसका कोड में डाल दूंगी, आप अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसका प्राइस 97 रुपी का ये 4 मिलता है। आपको देख लेते हो, ये रहा, ये है मोदक का। इसका क्वालिटी आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो मोटा है प्लास्टिक, इसका हार्ड प्लास्टिक है, पतला नहीं है और ये पूरी प्लास्टिक में है। और इससे बहुत ही अच्छी डिजाइन बनाया गया है, क्योंकि इस तरह से 4 मिल रहा है। आप इसको गुजिया बनाए, समोसा और मोदक और एक लड्डू बना लीजिए, है इसमें लड्डू बना सकते हो। इसका भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मीडियम साइज का है, छोटा नहीं है, मीडियम साइज का है। और इसमें बनाओगे तो अच्छी सी डिजाइन भी बनेगा और सुंदर भी लगेगा खाने के लिए, बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगा। तो ये है समोसा बनाने के लिए, आप समोसा बना सकते हो इसमें, गुजिया तेल में जो स्टीम करके बना सकते हो। मैं इसका डेमो भी आपको दिखा दूंगी, आपको समझिए कैसा काम करता है, काम करता है नहीं, या इससे बनाने से वो जब भी आप तेल में तलोगे वो फटता है, या स्टीम करके करोगे उसमें भी कुछ खराब हो जाता है। मैं आपको पूरी डेमो भी दिखाऊंगी, इसके डिटेल्स रिव्यू में दिखाऊंगी, आपको समझ आएगा। 97 रुपीज भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है, अच्छे भी वो काम भी अच्छी कर रहा है। और अलग अलग स्टाइल का भी है, जो कि बच्चों के लिए, बच्चों को खाने के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इसका डेमो मैं आपको दिखा दूंगी, आपको मैं स्टीम करके दिखाऊंगी, क्योंकि तेल तो अभी कोरोना चले है, तेल का जो ये है वो खाने के लिए सही नहीं है, हेल्दी खाना है। तो इसके लिए मैं स्टीम करके आपको दिखाऊंगी, गुजिया बना के दिखाऊंगी स्टीम करके। और मोदक भी, ये मोदक बनेगा, छोटा सा है, बहुत ही क्यूट सा है और इसका डिजाइन भी बहुत ही अच्छी है, मोदक का जैसा साइज भी उसका मोदक का जैसा छोटा ही है। और ये है गुजिया बनाने के लिए, इसके तेल में तल के कर सकते हो, स्टीम करके कर सकते हो। और इसका डिजाइन, अंदर का डिजाइन इस तरह का है और इसमें इस तरह सा लाइन बना गया है, जो कि आप प्रेस करोगे इससे, इस तरह से आप इसमें मैदा हो या सूजी हो जो भी हो, इसको रोटी जैसा छोटा सा बना के इसमें रख के उसके अंदर मसाला जो भी हो डाल के इसको सिर्फ प्रेस, हल्का प्रेस करना है और इससे एक्स्ट्रा जो वो निकल जाएगा और अंदर भी रह जाएगा। और खोलने के बाद इसमें थोड़ा ऑयल लगा के, मैं डिटेल्स दिखा दिया हूँ आपको समझ में आएगा। और इससे आराम से हम अंदर ऑयल लगा के इसको निकाल, क्योंकि जो घर में जो मम्मी है या जो भी है वो हाथ से बनाते हैं हम, लेकिन मुझे तो हाथ से नहीं आता है, इसके लिए मैं इससे मदद से मैं बनाती हूँ, मैं इससे ही बनाती हूँ घर में। लेकिन मैं क्या, थोड़ा सा समोसा बनाने के लिए ये लाया हूँ, समोसा बना सकती हूँ। और ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल इस तरह से, और भी एक मेरे पास है जो कि मैं बनाती थी, इसमें ये थोड़ा सा अलग डिजाइन है जो कि अच्छा लग रहा है। और मोदक बनाने के लिए ये लाया हूँ, ये भी इसका क्वालिटी, सारे का क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें आप लड्डू बना सकते हो, इस तरह से डालो, इसमें घी या कोई कुछ भी लेके इसे डालो और इसको प्रेस करके इस तरह से इसको ड्रम करके निकाल सकते हो, बहुत ही डिजाइन अच्छे से आया। तो चलो डेमो देख लेते हैं कैसे बना है और इसका क्वालिटी कैसे है, ये सही में बनता है या नहीं, फटता है नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल से दिखा देती हूँ। तो चलो
तो मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी कर देना, कमेंट करके बताना इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो, मेरे वीडियो आपको कैसी लगी। तो सब्सक्राइब तो जरूर करना, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कमेंट शेयर लाइक जरूर करना। तो रहती हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।